गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो लेट्स टुडे फिनिश चैप्टर नंबर सिक्सटीन एंड विद दिस सिलेबस ऑफ टर्म वन इन साइंस इसके बाद प्रॉब्ली विल स्टार्ट विद द रिविजन और आई विल सी इफ आई हैव टू टेक योर साइंस क्लास फॉर योर मैथ्स क्योंकि मैथ्स का सिलेबस अभी इनकम्प्लीट है एनी वे लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर क्वेश्चन इज डिफाइन सेल एज आई टोल्ड यू सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताती जा रही हूँ जो आपके नोट्स में है प्लीज़ डू नॉट री राइट देम वहीं पर आप लिख सकते हो आंसर क्वेश्चन आंसर नंबर वन बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन री राइटिंग दोज आंसर्स तो जो आपका पहला क्वेश्चन है उसका आंसर ये है जो ये वाटर सेल्स है यही उसका आंसर है दैट सेल्स आर द दस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑल प्लांट एनिमल एंड ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ सेल ह्यूमन बॉडी इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स सेल्स एंड डिफरेंट इन आवर बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सो दिस इज सफिशंट फॉर योर आंसर नंबर वन नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड सेल तो ये भी मैंने आपको कराया है यहां पर हु डिस्कवर्ड सेल सो दिस इज ऑल्सो इन योर नोट्स सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665

वाई कॉर्क कुड नॉट बी ऑब्जर्वड एज सच बाय हुक ओके सो मतलब अदरवाइज क्यों नहीं ऑब्जर्व कर पाया वाई ही हैड टू पुट इट अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर कॉर्क जो होता है इट इज अ सॉलिड स्ट्रक्चर दैट्स वाई इट कुड नॉट बी ऑब्जर्व एज सच बाय हुक नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री वेर डिड हुक डेमोन्स्ट्रेट हिज ऑब्जर्वेशन ऑन कॉर्क स्लाइज ही हैड डेमोस्ट्रटेड दिज ऑब्जर्वेशन एट रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन नेम द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन एनिमल सेल जो सबसे बाहर की लेयर होती है दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन नेम द लेयर दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन अ प्लांट सेल सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लांट सेल्स में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होती है सो द आंसर फॉर फिफ्थ इज सेल वॉल वेयर आर क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन अ सेल क्रोमोजोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस इन अ सेल नेम दिस सेल पार्ट डेट हेज टाइनी होल्स इट इज सेल मेमबरेन और प्लाज्मा मेम्बरेन दैट हेज टाइनी होल्स मैंने आपको बताया था बिकॉज इट हैज टाइनी होल्स इट परमिट्स मटीरियल टू मूव इन एंड आउट ओके ये सब पार्ट हमने कर रखा है इफ यू विल गो थ्रू दोट वन मोर टाइम सो दिस विल ऑल कम बैक टू यू नेम दि सेल ऑर्गेनेल विच इज फाउंड इन प्लांट सेल तो मैंने आपको बोला था माइकोकॉन्ड्रिया राइजोजोम लाइजोजोम्स राइबोजोम्स लाइजोजोम दे आर ऑल फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स लेकिन एक ऑर्गिनल है जो सिर्फ प्लाट्स सेल में मिलता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट

यहाँ पे लिखवाया हुआ है फंक्शन ओके okay? उसके बाद मैंने क्रोमोजोम्स का फंक्शन दो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पर लिखवाया नहीं हुआ है सो दैट आई विल गिव यू इन नोट्स द फंक्शन ऑफ क्रोमोजोम्स क्रोमोजोम्स आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फाउंड इन न्यूक्लियस और ये क्रोमोजोम्स ही होते हैं जो हमारा डीएनए डिसाइड करते हैं हमारा हमारे जो हेरिडिटरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स विच कम फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन दे आर डिसाइडेड बाय क्रोमोजोम्स ये मैं नोट्स में आपको दे दूंगी अभी जब क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स दूंगी उसके बाद फिर आप क्वेश्चन नंबर सिक्स है वाई आर दी फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट टू अ प्लांट सेल ओके तो सेल वॉल है तो so आप ये देखिए मैंने आपको यहाँ सेल वॉल का फंक्शन कराया हुआ है उसके बाद इसमें दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट तो आप यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन भी है ओके okay. फाइन उसके बाद दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है उसके बाद है न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस का भी यहाँ पर इज इज न्यूक्लियस दिस द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस ओके तो ये आपके सारे नोट्स में जो नोट्स में है प्लीज डू नॉट रीराइट इट इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम यू कैन मार्क इट देयर ओनली ओके ड्रॉ एन आउटलाइन डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल लेबल डिफरेंट पार्ट्स तो मैंने ये आपको आउटलाइन डायग्राम ऑफ एन एनिमल सेल दिया हुआ है सारे पार्ट्स भी लेबल किए हुए हैं ओके दोबारा ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है अगर नोट्स में कर लिया है तो मैंशन थ्री डिफरेंसेज बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स अगेन हमने ये नोट्स में किया है आ, ये देखिए तो पहला क्वेश्चन है डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स ये डिफरेंस हमने किए हुए हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन है वॉट आर दी फीचर्स पजेस्ट बाई बोथ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स यानी कि उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्या है तो ये भी हमने की हुई है सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स तो दोनों नोट्स के अंदर है वाई आर नर्व सेल्स लॉन्ग वाई डू दे हैव प्रोजेक्शंस तो मैंने आपको जब शेप ऑफ द सेल्स बताया था तो मैंने पीपीटी में आपको बताया था जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाई थी कि हर एक सेल का जो शेप होता है वो इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन करता है क्योंकि नर्व सेल्स का, का काम होता है मैसेजेस को ब्रेन से पूरी बॉडी में ले जाना और फिर ब्रेन बॉडी से ब्रेन तक ले जाना सो देयरफॉर फॉर देयर शेप इज लाइक लॉन्ग जैसे कि जैसे कि तार की शेप होती है दे आर ब्रांच दे हैव फाइबर लाइक ब्रांचेस सो दैट दे कैन स्प्रेड इजीली थ्रू आउट दी बॉडी दैट्स वाई दे आर लॉन्ग तो इसका मैं आंसर आपको लिखकर दे दूंगी प्रॉपर आंसर बट दिस इज दी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट आंसर वाई आर माइटोकॉन्ड्रिया नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल तो जब मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाया था आई हैव टोल्ड यू दैट माइटोकॉन्ड्रिया कन्वर्ट्स ग्लूकोज इंटू एनर्जी एंड देयर फॉर इट प्रोवाइड्स द सेल विद दावर टू फंक्शन एंड देयर फॉर इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ दी सेल क्योंकि वो ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो उसी से सेल को सारी पावर मिलती है उस एनर्जी सेल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फोर बेसिक एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूट मोर देन नाइनटी परसेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म अब मैंने आपको कहा था कि प्रोटोप्लाज्म एक तरीके की टर्म जब हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म सो so वॉट वी मीन इज that we are talking about nucleus cytoplasm and cell membrane basically nucleus cytoplasm or cell membrane के ग्रुप को अगर हम इन तीनों को ग्रुप कर दें तो हमें इनका नाम अलग अलग ना लेना पड़े इसलिए हम इनको इकट्ठा प्रोटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं ये मैंने आपको बताया था अब 90% ऑफ द वेट ऑफ दिस प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ फोर एलिमेंट्स ओके नाउ व्हाट आर दोज फोर एलिमेंट्स दोज फोर एलिमेंट्स आर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके फिर आता है राइट ऑफ राइट इन ब्रीफ अबाउट वेरिएशन इन शेप एंड साइज ऑफ सेल्स तो मैंने आपको ये बताया था कि हर एक सेल का शेप हर एक सेल एक फंक्शन परफॉर्म करता है उस सेल की शेप क्या होगी ये इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है

रिलेटेड क्लोजली रिलेटेड टू इट्स फंक्शन मैंने आपको मैंने आपको मसल सेल्स के बारे में भी बताया था कि मसल सेल्स जो होते हैं फ्लेक्सीबल होते हैं स्ट्रेचेबल होते हैं क्योंकि मसल्स का काम क्या होता है मूवमेंट तो अगर मसल सेल्स फ्लेक्सीबल और स्ट्रेचबल नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी हमने नर्व सेल का भी एग्जाम्पल पढ़ा था ओके okay? यही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सेल्स में शेप और साइज में वेरिएशन क्यों होता है ओके okay? फिर अगला है नेम द डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स एंड फंक्शन ऑफ दीज ऑर्गेनल्स ओके तो ये सारे ऑर्गेनल्स हमने यहां पढ़े हुए हैं मैंने आपको पूरी टेबल कराई है ऑर्गेनल्स की सारे ऑर्गेनल्स हैं और उनके फंक्शंस हैं तो ये आपको याद तो करना ही है दोबारा रीराइट करने की ज़रूरत नहीं है व्हाट इज मेंट बाय प्रोटोप्लाज्म हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम साइटोप्लाज्म मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बताया कि प्रोटोप्लाज्म एक तरीके की टर्म है जो कि हम तीन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं इकट्ठे ओके फाइन जैसे अगर मेरे को दिस इज समथिंग सिमिलर लाइक इफ़ आई डोंट हैव टू टेक नेम ऑफ each वन ऑफ यू अलग अलग तो मैं क्या बोल दूंगी क्लास एट्थ बोल दूंगी सो क्लास एर्थ बेसिकली means what क्लास एट्थ बेसिकली means ऑल थर्टीन ऑफ यू सेम वेटो प्रोटोप्लाज्म अगर मुझे न्यूक्लियस साइटोप्लाजम और सेल मेम्बरेन uh, अलग अलग नहीं बोलना तो मैं उनके लिए इकट्ठा एक, एक वर्ड क्या बोल सकती हूँ प्रोटोप्लाजम बोल सकती हूँ तो वो बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्म क्या है प्रोटोप्लाज्म बेसिकली मीन्स

दी डैश इज ऑल्सो कॉल्ड स्यूसाइड बैग्स तो दे आर लाइजोजोम उनको हम स्यूसाइड बैग्स भी बोलते हैं क्योंकि वो जो खराब सेल्स हो गए होते हैं उनको मार देते जो जो वर्न आउट पार्ट हो गया होता है सेल का उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं वी ऑल्सो कॉल देम गारबेज डिस्ट्रॉयर और वेस्ट डिस्ट्रॉयर सो द आंसर इज लाइजोजोम सेकेंड इज द टर्म्स सेल वॉज गिवन बाय रॉबर्ट हुक थर्ड इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी टाइनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप

Uh, तो जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उसके हिसाब से न्यूक्लियस सेल मेंब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आर पार्ट ऑफ अ सेल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन माइटोकॉन्ड्रिया सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स फिर आता है ट्रू एंड फॉल्स फर्स्ट है मोस्ट सेल्स मोस्ट ऑफ अ सेल इज न्यूक्लियस दिस इज फॉल्स मोस्ट ऑफ द सेल इज साइटोप्लाज्म

सारे सेल्स इनडिपेंडेंटली रहने की कैपेबिलिटी रखते तो कभी किसी की डेथ नहीं होती ओके लाइफ एंड्स, बिकॉज द सेल्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर ओके सो इफ सेल्स ऑफ वन बॉडी पार्ट स्टार्ट डाइंग देन दे अफेक्ट द सेल ऑफ द होल बॉडी एंड इवेंचुअली द बॉडी शट्स डाउन सो इन मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म

cytoplasm is a jelly-like substance between cell membrane and nucleus organelles are tiny structures inside the cell okay and then last question is label different parts many of diagram the dia plant cell ka. you have drawn it so no need to draw it again okay so with this we finished chapter number 16 and uh, with chapter number 16 we have finished आर सिलेबस ऑफ टर्म वन ओके सो ना वॉट आर लेफ्ट विद इज तो हमने यूनिट टेस्ट वन से स्टार्ट करे तो चैप्टर वन, चैप्टर फिफ्टीन चैप्टर टू थ्री फाइव नाइन टेन इलेवन सिक्सटीन ये हमने फिनिश कर लिया है नाउ चैप्टर सिक्स सेवन सेवनटीन फोर एट ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन दीज आर दी चैप्टर्स विच आर रिमेनिंग ओके so rest of it uh, we have finished so uh, roughly 1 2 3 4 5 6 eight chapters are remaining and uh, we have done five and uh, four nine chapters we have finished all right so uh, now we will start with some revision and maybe then we will see unit test 3 ka portion. okay सो थैंकू प्लीज़ फिनिश योर वर्क जो पोर्शन आपके नोट्स में उसको री राइट करने की ज़रूरत नहीं है उसके अलावा जो पोर्शन है डेट यू मस्ट राइट ओके थैंक यू